सुहे वो सुगाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वंश। गाइस आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज मैं डायमंड ढूंढने जाऊंगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस ये मैंने कुछ सेटिंग करी है चेंज, यहाँ पे फर्नेस रखी है दो और उधर पे ये आयरन इसमें रखा हुआ है, क्योंकि मैं गया था थोड़ा सा ऐसी माइनिंग पे तो मिल गया था जो मेरे को। और गाइस बाकी तो सब है ही ऐसा। और ये चेस्ट, ओ शिट, ये चेस्ट खुल क्यों नहीं रही है। ये मैंने एक्चुअली सेटअप अभी करा है। चलो इसको मैं तोड़ देता हूँ और चेस्ट को ऊपर लगा देता हूँ। अरे टूट जा जल्दी। गाइस आज मैं माइनिंग पे जाऊँगा, तो माइनिंग पे जैसे कि आपको पता ही होगा -12 पे जाना रहता है, तो मैं वहीं जाऊँगा। और सबसे पहले इस बार तो मैं करूँगा, और इस बार गाइस दिक्कत है कि हमको सब कुछ ले जाना पड़ेगा वापस से, नहीं तो एक दिक्कत ये आएगी कि हम ऊपर आ नहीं सकते हैं बीच बीच में। अगर मैं -12 मतलब -12 कह रहा हूँ, 12 पे चला जाता हूँ, तो इसलिए। तो गाइस डायमंड्स तो लेके ही आऊँगा आज के दिन, वो पक्का है। तो ये लार्ज चेस्ट से सब इन्वेंटरी में रखता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ। एक ही टूटेगी फिलहाल अभी तो, अब इसको तोड़ते हैं। सब इन्वेंटरी में डाल दूंगा मैं वापस, सॉरी लार्ज चेस्ट में डाल दूंगा वापस। इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ। और गाइज मैंने जो अपना बेड है वो ऊपर शिफ्ट कर दिया है पूरा, क्योंकि वो इस इधर पे अच्छा नहीं लग रहा था नीचे। और मैं भी घर में भी चेंजेस करूँगा, मगर पहले मैं कुछ करूँ तो गेम में। इन गेम मैंने अभी तक क्या करा है, सिर्फ घर बनाया है, अपना आयरन लिया और डायरेक्ट मैं डायमंड लिया हूँ। अभी मेरे को नेदरराइट भी लेना है और क्या बोलते हैं गोल्ड भी लेना है। तो बस गोल्ड तो क्या है ना, एक बार मैं पहले क्या सोच रहा हूँ कि पूरा डायमंड का बन जाऊंगा, मतलब डायमंड चेस्ट प्लेट और सब ले आऊंगा। फिर जाके मैं क्या करूँगा ना, गोल्ड ढूंढूंगा नेदर में। अगर नेदर में एक दिक्कत है कि वो गोल्ड वाले जो पिगलिंग्स होते हैं वो मारते हैं, उनके सामने आप वैसे गोल्ड का मतलब गोल्ड का पहनने नहीं जा सकते। तो चलो देखते हैं हम वो चीज़ भी, गोल्ड का तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सब सामान ले लेता हूँ, रख दिया है ना सब मैंने। सैपलिंग लगाने जाना है यार बाहर। स्ट्रिंग इधर रखो, आयरन इधर रखो और ये इधर रखो। आयरन का क्या करना है मेरे को, कहाँ गई फर्नेस, फर्नेस नहीं, हाँ ये आयरन के। तो मैं बूट्स बना लेता हूँ अभी, एक काम करता हूँ बूट्स बना लेता हूँ, शेयर्स किसी काम की नहीं, बूट्स बना लेता हूँ। बूट्स पहन लूँगा तो थोड़ा वो भी बढ़ जाएगा। बूट्स पहन लिए। और गाइस अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा विलेजर्स के लिए भी जाऊँ, मगर मैं विलेजर के लिए जाने से पहले सोच रहा हूँ कि एक सैडल बना लूँ। सैडल बनती कैसे है या सैडल मिलती कैसे है ये सब देखूँगा मैं अब। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कारपेट लगा दिए हैं, कहाँ अंदर चलो अंदर, ये मैंने पूरे कारपेट लगा दिए हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है घर अब, मतलब शेप में आ रहा है, इन शेप आ रहा है। गेट लगाओ इसका और इधर से नीचे चलो, यहाँ पे भी मेरे को कारपेट लगाने हैं अंदर, वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा घास घास। और पहले तो इसको मारते हैं गाइस, आयरन स्वॉर्ड ले लेता हूँ। फर्स्ट हिट, सेकंड हिट गई, ये तो गई गाइस। और अब एक ये वाइट वाली को मार लेता हूँ, थोड़ा वो बन जाएगा कारपेट, खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। वैसे होता है पॉकेट एडिशन में ना वो नहीं रखता, क्या बोलते हैं अपना, अरे कहाँ भाग रही है, पॉकेट एडिशन में ना वो नहीं लगता, कहाँ गई वो, दिख क्यों नहीं, अच्छा यारी पॉकेट एडिशन में फूड बहुत कम लगता है ऐसे देखे तो। मर गई ना, अरे ये उठाना रहेगा। ये रहा अपना एक घोड़ा, कैसा है भाई, चलो इससे तो पूछ लिया, चलते हैं। ये घोड़े को भी घर देना है यार, एक घर बनाना है इसके लिए भी मेरे को। मेरे को सब कुछ करना है, एक विलेज बनाना है, एक घर बनाना है, आयरन गोलम स्पॉन करना है, सब मतलब स्पॉन नहीं बनाने ही पड़ेंगे वो मेरे को। विलेजर्स आते हैं तो स्पॉन हो जाएंगे वो, मगर विलेजर्स के लिए भी अभी घर वर बनाना पड़ेगा, लकड़ी का बहुत जुगाड़ लगेगा, वो भी करूँगा मैं एक वीडियो में। तो गाई सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या, इधर पे भी कारपेट लगाने हैं मेरे को, यही दिखा रहा हूँ मैं कि कितने कारपेट लगेंगे। चार लगेंगे फिलहाल तो मेरे को, फिलहाल तो सोने चलता हूँ जल्दी से। अरे ये हो जा, सोने से पहले यहाँ पे कारपेट बदल देता हूँ। मेरे को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, रूम अच्छा दिखना चाहिए इसलिए ये। अरे लग जा, अरे लग क्यों नहीं रहा। एक इधर पे बस, सब सही लग गया, ये सही लग रहा है ना गाइस, कारपेट वारपेट।
बस यहाँ पे ना एक ही दिक्कत है कि एक डोर की जैसे बाहर निकलने में होती है, बाकी कारपेट यहाँ पे लगा देता हूँ। एक दो, अरे लग जा, दो और तीन। अरे यार एक कारपेट की और कमी है, एक कारपेट और होता तो सही हो जाता यार ये। चलो गाइस एक कारपेट तो ले आऊँगा मैं, बाहर रात हो चुकी है, सोने चलता हूँ। मैं ऊपर सोने ही गया था यार गाइस, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है, सो जाता हूँ जल्दी से। अब पहली चीज़ तो आज हम आयरन, सॉरी डायमंड ढूंढने जा रहे हैं, तो गाइस आयरन की पिकैक्स लगेगी उसके लिए। तो आयरन की पिकैक्स मेरे पास है, बस एक बात है अच्छी कि आयरन से टूट जाता है डायमंड, मेरे पास आयरन की पिकैक्स है तो मैं उससे तो वो कर ही लूँगा। अरे यार ये मेरे फार्म में क्यों खड़ा है, जल्दी जाता हूँ इसको मारने। अरे उतरना भाई, अरे इधर से कूदता नहीं है क्या, साइड से कूद जाता, मैंने जानबूझ के कर रखा है क्योंकि कूद जाता हूँ साइड से। अरे आ रहा है, आना भाई, मर जाएगा ये, मर गया। चलो इस वाले को मारता हूँ मैं, अरे ये मेरे को डैमेज क्यों दे रहा है भाई, मर। खेत तो अपना वाकई बढ़िया है, वैसे मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा, इतने लोगों को मारता हूँ तो फूड मिल जाता है मेरे को पूरा सफिशियंट जितना लगता है। एक सैपलिंग मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक सैपलिंग मैं यहाँ लगा देता हूँ, चार सैपलिंग लगा देता हूँ, चार पेड़ उगाएंगे एक साथ, चार मिली हैं तो एक इधर। चलो गाइस पेड़ लगाने का काम तो हो गया है, पाँच थी मेरे पास जहाँ तक, पाँच थी, हाँ पेड़ लगाने का काम हो चुका है। अब पहले तो इसको मारता हूँ चिकन को, पहली चिकन होगी जो मैं मारूंगा पूरे गेम में। मर, दो हिट में मर जाती है, बढ़िया। एक ये पिग घूम रहा है, इसको भी मार देते हैं, मर गया। एक ये अपने पास ये काव है, इसको भी मार देते हैं। पहले काव से पहले तो ये ट्रेडर है इधर पे, यहाँ चलते हैं, ट्रेडर है, देखते हैं क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, होगा तो कुछ। अरे राइड नहीं करनी भाई मेरे को इनकी, किसी काम के नहीं रहते ये लामा, इनको मैं मार ले रहा हूँ, ये थूकना चालू कर देंगे अभी, इसलिए। भाई क्या है, सो रहा है क्या? ओ पड़ी पड़ी पड़ी, उसको लग गई गाइस, लग गई उसको। ओ माय गॉड क्या करा यार मैंने ये। चलो गाइस चलते हैं इधर देखते हैं, यार एक घोड़ा है ना, बड़ा एट्रैक्टिव दिख रहा है, ब्लैक कलर का, अपने वो घोड़े की तरह है बस ब्लैक कलर है। रुको 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 रुको, मैं जा रहा हूँ घर पे से बुलाता हूँ, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे गाइस, लीड 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 ला रहा हूँ, जल्दी से उसको बांध के घर के पास खड़ा करूँगा, बड़ा शानदार घोड़ा लग रहा है मेरे को। बस आज घोड़ों का भी इंतज़ाम हो गया, दो घोड़े हो गए मेरे पास, बस मेरे को एक वो चाहिए, क्या कहते हैं गाइस उसको अपन, ये सब चेस्ट में रख देता हूँ फालतू का सामान। अरे गाइस उसको क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रही मेरी, जिसपे घोड़े से, घोड़े के ऊपर बैठ के जिससे कंट्रोल कर सकते हैं घोड़े को, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं गाइस उसे, कमेंट्स में जाके बताना, मेरे को दिमाग में आएगी तो मैं वीडियो में भी बता दूंगा। लीश करो इसको और भागते रहो, देखते रहना है, मेरे को लीश टूट जाती है कभी कभार, वैसे तो आ रहा है ये मैं जहाँ ले जा रहा हूँ। चलो तेज़ी से निकलता हूँ, एक काम करता हूँ, आ ही रहा है वैसे भी, लीज भी नहीं टूट रही। ए घर आ गया, अरे नहीं घर मेरा ही वाला है, वैसे मैंने इधर पर जितनी टॉर्चेस लगा रखी है ना, किसी नीड की नहीं है इतनी, फिर भी मैंने लगा रखी है। अरे टूट क्यों रही है, दोनों पकड़ना पड़ेगा क्या एक साथ? अरे अरे उसको मार दिया मैंने, शिट। अच्छा दोनों हो गए क्या, लीशा दोनों हो गए, चलो अब लग जाएगी मेरे ख्याल से, हाँ अब लग गई, अब दोनों साथ में रहो, खूब बढ़िया, बहुत शानदार। चलो गाइज ये भी हो ही गया है हमारा, पुष्पेंद्र नाम रखा था हमने सफ़ेद घोड़े का, ब्लैक वाले का क्या, अरे कारपेट टूट गया, ब्लैक वाले का क्या रखेगा गाइज बताना मेरे को कमेंट्स में जाके। सुनो 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 सुनो, ब्लैक वाले का हम पुष्पेंद्र रख देते हैं और वाइट वाली का पुष्पा रानी। हाँ गाइस दिस इज समथिंग गुड, ये क्या है, फेदर काय के काम में आता है। चलो इसको चेस्ट में डालो अभी तो, फेदर चेस्ट में जाओ, रॉटन फ्लैश किसी काम का नहीं है, इसको बाहर फेंक देता हूँ। और अब चलते हैं गाइस, काम करते हैं, माइनिंग पे चलते हैं अब, ये फर्नेस पे तो कुछ रखा है ही नहीं मेरा, और स्टिक ले लेता हूँ और ये बना लेता हूँ, क्या कहते हैं अपन इसको गाइस, टॉर्चेस, क्योंकि आज मेरे को डायमंड चाहिए ही चाहिए, किसी भी शर्त पे चाहिए डायमंड। सब ले ही लिया है मैंने गाइस, है ना।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब ले लिया है मैंने। चलते हैं, तो सबसे पहले तो ये गेट खोलो, नीचे जाना है मेरे को। बस ये सर में टकराता है इधर, बस एक ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है पूरी माइंड में मेरी। चलो मैं, मेरे को क्या है ना, बहुत सीधी सीधी सही सही काम करना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता मेरे को, मतलब अजीब अजीब सा। अब इधर से हम माइन करना चालू करते हैं, हमने इधर से ही बनाना है। इसको फोड़ो सबसे पहले, कहाँ गया टूट। अब एक टॉर्च जो है मैं इधर कोने में लगा देता हूँ, अब फोड़ना चालू करता हूँ। मैं एक तो बुलाया हूँ और एक मेरे पास आयरन शवल है। कोल, कोल की तो बहुत ज़रूरत है गाइस, कोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्नेस में भी काम में आता है और पहली बात तो उसमें भी, क्या कहते हैं यार उसको। चलो अभी तो पहले कोल कलेक्ट। अरे गाइस क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है वो, कौन सी चीज़ होती है गाइस वो, क्या कहते हैं उसको, आयरन को स्मेल्ट करने के काम में आता है। गोल्ड तो स्मेल्टेड ही आता है ना हमारे पास, हाँ गोल्ड स्मेल्टेड ही आता है, आयरन के ही काम में आता है वो, और खाना पकाने के काम में, और नेदर में, नेदराइट की चीज़ में भी किसी में काम में आता है गाइस, मेरे ख्याल से इतना तो मुझे याद है कि नेदर की चीज़ में भी आता है। अरे टॉर्च लगाओ सबसे पहले इधर पे, यार बहुत अंधेरा लग रहा है यहाँ पे, कोई दिख है तो लग तो रहा नहीं है मेरे को वैसे कुछ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। कोबल स्टोन लाओ। अरे कोबल स्टोन ख़त्म कैसे हो गया, ग्रेनाइट लगा देता हूँ। देखूँ तो ज़रा, हैं इतना सारा माइनिंग करी कोबल स्टोन कैसे चला गया यार। अरे यार वो थोड़ा बहुत घर पे रखा है और ये पड़ा है। हाँ यार, हाँ तोड़ो इसको, तोड़ते हैं चलो। ये टूट गया है। ओहो टॉर्चेस बनाने मेरे को स्टिक्स चाहिए, वैसे मैं टॉर्चेस क्यों बनाऊंगा, ये टॉर्चेस हैं मेरे पास। चलो ये तोड़ते हैं, कोबल स्टोन को लाता हूँ और इधर लगा दूंगा फिर आके, बेस्ट तो यही कर सकते हैं अभी। और ये जो है ना, ये माइनिंग से जो मेरे को कोबल स्टोन मिलेगा, इसका भी मैं एक यूज़ करने वाला हूँ, और वो यूज़ ये है कि अरे और चाहिए क्या, वो यूज़ ये है कि मैं उससे, जैसे आपने देखा होगा टेक्नो गेमर्स, मतलब उज्जवल सर जो है, उनने एक वो बनाया है घर, मतलब जैसा उनने स्टोन वो यूज़ करे ना, वो चीज़ मेरे को भी स्टोन बहुत अच्छे लगते हैं वो वाले, तो मैं इसलिए वो वाले स्टोन ही यूज़ करूँगा ज़्यादातर अब। वो तो इस बार मैंने लकड़ी का बना लिया, और लकड़ी के घर में आग लगने का भी डर होता है, दैट्स वाई आई यूज़ दैट थिंग। तो अब चलते हैं आगे, यहाँ की तो पूरी चीज़ कवर कर ही दी है, एक टॉर्च यहाँ लगा ही देते हैं। वैसे मेरे पास टॉर्चेस कम है, मेरे को संभल के करना पड़ेगा काम जो भी करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम आ ही गए हैं 468, 49 और 168 पे हैं हम अभी। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी दिखाने वाला वो खोल लिया है, क्योंकि मेरे को अब डायमंड ढूंढने हैं तो जाना पड़ेगा ना सही से, इसलिए। और अब इधर पे तो सब सा ही लगा ही हुआ है, ये भी लग गया है, इससे ही तोड़ता हूँ पिकैक्स, क्योंकि टूट गई है मेरी स्टोन वाली, आयरन की यूज़ करता हूँ। इधर साइड चलते हैं, अब इधर साइड तो मेरे को कुछ मिला नहीं, हो सकता है इधर साइड कुछ मिल जाए। इधर इधर आयरन तो मेरे पास है, वो चार आयरन वहाँ पड़ा है, और थोड़ा बहुत यहाँ माइन करने में मिल ही जाएगा, तो इसलिए इधर जा रहा हूँ मैं। एक लगाओ यहाँ, एक लगाओ, चलो छोड़ो अभी, सबसे पहले तो डिगिंग, एक इधर लगा देता हूँ। चलो ये तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तो बस तोड़ना ही है काम मेन, देखें तो उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते अभी। ये टूट गया इधर, इधर चलो। अरे ये टॉर्च है, इधर लगाओ गाइस। जैसे मेरे पास चार वो आर्मर है, मतलब मैंने दो चीज़ें पहन रखी हैं, जूते और वो 12 पे चलते हैं। और सबसे पहले तो चार आर्मर है, अगर मेरे को अब आयरन मिलता है ना तो मैं फुल बॉडी आर्मर बनाने की सोचूंगा। मेरे पास चेस्ट प्लेट है और शूज़ भी हैं, बस एक पैंट्स और हेलमेट चाहिए, तो वो मैं कर लूँगा अभी। तो फ़िलहाल ये कर लेते हैं, 12 ब्लॉक पे चलते हैं। एक टॉर्च,
तो गाइस ये टॉर्च यहाँ लगी गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट नीचे 12th ब्लॉक पे जाऊंगा, तो वहीं पे मेरे को कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि मैंने ऊपर उतनी माइनिंग कर ली, कुछ नहीं मिला, और मैं बिना आजा पिकेक्स की हेल्थ और वो सब बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पास एक ही आयरन पिकेक्स है यार। ये सबसे बड़ी गलती कर दी यार मैंने, क्या पागल बंदा हूँ मैं, शिट, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मैं आ चुका हूँ नीचे इतना, और मैंने वो कर दिया है। चलो अभी तो इसको तोड़ के हम आगे चलते हैं सबसे पहले, बाकी का डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। इसको तोड़ो जल्दी जल्दी, और ये टूट गया गाइस, सब तोड़ दिया है। आज डायमंड मिल गया ना, तो बाय गॉड डायमंड की पिकैक्स बनाऊंगा सबसे पहले। मेरे को आप कमेंट्स में आके बताइएगा गाइस कि डायमंड पिकैक्स वर्थ इट है कि या मैं कुछ और बनाऊं, मतलब डायमंड पिकैक्स बनाऊंगा सबसे पहले, इतना तो पक्का है, क्योंकि वो थोड़ी क्या रहता है ना कि सही रहती है डायमंड पिकैक्स, देखे तो हर महीनों में। चलो अब ये तोड़ते हुए चलते हैं, सीधे ही डिक करूंगा इधर से। अब मेरे को लग रहा है मिल जाएगा जल्दी हमारे काम की चीज़ जो हमको चाहिए, डायमंड। ओहो शिट, आखिरी टॉर्चर जो मेरे पास बची है। सबसे बड़ी गलती हो गई है यार, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है गाइस। ओहो शिट मैन शिट, एक टॉर्च और मैं क्या यार, पिकेक्स की हेल्थ भी कम है, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं करना प्लीज। अरे यार शिट, एक टॉर्च थी और वो भी खत्म हो गई चुकी है। चलो अब देखते हैं हम आगे का क्या करना है। ओहो इधर पे हमको मिल चुका है वो, अगली बार से ना मैं क्राफ्टिंग टेबल लाऊंगा साथ में, और वुड लॉग और सामान, जिससे मैं कुछ बनाना चाहूँ तो बना सकूँ। गलती हो गई यार आज ये मेरे से बहुत बड़ी। चलो अभी तो तोड़ते हैं आगे, मेरे को वो मिला है आयरन का, दो चंक मिला है आयरन का। अरे इधर भी आयरन है, आयरन कितना आयरन हो चुका है मेरे पास टोटल, 5। एक वो सामने पड़ा है, आयरन ही आयरन है गाइस। थोड़ी सी डार्कनेस है, मैं ला रहा हूँ टॉर्च। अब एक काम करता हूँ, ले आता हूँ एक, यहाँ लगा लूंगा। ओहो टॉर्च टॉर्च टॉर्च, अरे मैं नहीं चाहता ना मॉब स्पॉन उधर पे, इसलिए इतनी सारी टॉर्च लगाता हूँ। करीबन मैं 100 100 टॉर्चेस लगा चुका हूँ इधर पे, मतलब एक स्टैक फुल और एक स्टैक हाफ टॉर्चेस मेरी एक केव में लग गई होंगी मेरी वाली। ओहो सब कुछ काम हो ही चुका है क्या मेरा, तब और कुछ भी नहीं है इधर पे। चलो मैं एंडेस टाइम ही लगा देता हूँ मैं पीछे होके। ये वैसे किस काम में आता है गाइस, मेरे को रिमाइंडर देना एक बार इसका। ओहो कोबल स्टोन, एक इधर पे लग जाओ, एक इधर पे लग जाओ। अब 62 कोबल स्टोन में डिक कर चुका हूँ अभी तक, और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ऊपर हुआ हूँ, तो गाइस मैं ऊपर से डायरेक्ट आता हूँ। और गाइस मैं ऊपर होके आ चुका हूँ, मैंने बहुत सारी पिकअप भी बना ली है और डिगिंग भी चालू कर चुका हूँ। गाइस अभी मैंने कुछ नहीं डिक करा, ये फर्स्ट ब्लॉक थे जो तोड़े हैं, यहीं पे हमने, याद होते बगल में हमने वो आयरन दिया था। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे टॉर्च लगाता हूँ, 40 टॉर्चेस बना लाया हूँ, और पिकैक्स तो मैं बहुत सारी बना लाया हूँ, कम से कम 5 और 3 8 पिकैक्स है मेरे पास, और एक आध इन्वेंट मतलब और अंदर पड़े हो तो पता नहीं मेरे को। तो गाइस जल्दी से इसको तोड़ते हैं, एक टॉर्च को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और ये तोड़ना चालू कर, इधर साइड चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है इधर साइड कुछ मिलेगा। ओहो इधर इधर जल्दी खुद जा, खुद गया ये तो। एक टॉर्च लगाओ सबसे पहले तो यहाँ पे, टॉर्च मैं हर जगह लगाने का याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई पहली बात तो घूमना नहीं है कहीं पे। अरे ऊपर कोल है, टूट जा, कोल हो गई है फाइनल, कोल तोड़ते हैं, और बस कोल बहुत सारी मिल गई गाइस, यही सबसे अच्छा काम हुआ। डायमंड नहीं मिलेगा तो भी कोल तो मिल गया आज मेरे को, अगर डायमंड नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा क्या करूँगा कि कुछ करूँगा अब फिर। वैसे आज डायमंड लेके जाऊँगा ज़रूर, इतना याद रखना गाइस, डायमंड ज़रूर लेके जाऊँगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिना फल के चला जाऊँ तो ऐसा कैसे होगा, तो डायमंड तो ज़रूर लेके जाऊँगा। अरे 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 ज़्यादा खुद गया, चलो इधर फोड़ो ये इधर करो। अरे ऊपर भी जाना पड़ेगा क्या आज गाइस, मैंने इसको
गाइस यार एक चीज़ और बताओ, मैंने आज बताया कीबोर्ड से कनेक्ट करा था गेम को, मतलब मोबाइल को, तो एक चीज़ हुई उसमें, क्या हुआ कि जब हम लेफ्ट वाला क्लिक करते हैं ना, लेफ्ट क्लिक दबाते हैं और मतलब जब हम माउस को स्लाइड करते हैं तब इससे वो नहीं होता, मतलब तब इसमें वो नहीं होता, जब हम माउस को स्लाइड करते हैं तब इसका प्लेयर जो है ये ऐसे मुड़ता नहीं है जैसे मुड़ रहा है ना अभी, मतलब हम जब लेफ्ट क्लिक दबा के मोड़ते हैं तब मुड़ जाता है, तो ये क्या सिस्टम है गाइस, ये ज़रूर बताना आप कमेंट्स में जाके मेरे को, उसको कैसे करते हैं सही वो भी। बाकी तो अब मैं नीचे चलता हूँ और इस एरिया को बंद करता हूँ सबसे पहले तो, हाँ सबसे पहले बंद करता हूँ इस एरिया को, मेरे को अपनी खुदाई में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए ना, इसलिए मुझे सब वेल फर्निश्ड टाइप चाहिए। इधर लगाओ ब्लॉक एक, इधर लगाओ एक ब्लॉक, एक ब्लॉक लगाओ इधर, एक ब्लॉक लगाओ इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर। अच्छा नहीं हो गया, चलो पिकैक्स कहाँ गई मेरी, टॉर्च लगाओ सबसे पहले तो एक इधर पे, उजाला हो गया है, चलते हैं अब पिकैक्स तोड़ते हुए। वैसे पिकैक्स मैंने कुछ ज़्यादा ही बना ली है स्टोन की, ये क्या है? ओ भाई बेस्ट गाइस, हमको एक माइन शाफ्ट मिल गई है यार, माइन शाफ्ट। सबसे पहले तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि इधर पे क्या मकड़ी अकड़ी रहती है। अरे टॉर्च इधर लगाओ एक, और सबसे पहले तो मेरे पास कोबल स्टोन पड़ा हुआ है ना, कोबल स्टोन से मैं ये सब कवर कर रहा हूँ गाइस। मैं अपने लिए एक फ्रेम बना रहा हूँ जिससे क्या होगा कि मैं अगर कोई मकड़ी अकड़ी होगी तो एकदम से उचक के मेरे ऊपर अटैक टाइप ना कर पाए कुछ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये, क्योंकि नहीं तो फिर ना वो पूरी दिक्कत हो जाएगी यार बहुत बड़ी। चलो ये यहाँ अपना व्यू बन गया एक, एक व्यू पॉइंट इधर बना लेता हूँ। अरे यार नीचे वो है ना, वो तोड़नी पड़ेगी सबसे पहले तो, ये दोनों रेल तोड़ता हूँ मैं, वैसे तो कोई होगा नहीं। अब गाइस दिक्कत ये है कि मेरे को इधर से चलो डायमंड मिल भी गया इस माइन शाफ्ट से, तो एक दिक्कत जो है सबसे बड़ी वो ये है, इसको तोड़ देता हूँ मैं इधर पे खुद ही खड़े होके, बस हो गया काम। ओहो कोई नहीं है इधर पे, वैसे सबसे पहले मैं टॉर्च लगा लूँ, टॉर्च लूँ हाथ में, तो ये है कि मैं इसको एक्सप्लोर करने आऊँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास आयरन नहीं है। ओह भाई वो डायमंड दिख गया मेरे को, वो डायमंड ही है ना, हाँ। और इधर साइड पे एक बार खोद के देखता हूँ कोई है तो नहीं, ओ इधर साइड पे तो एंड है ना केव, जहाँ तक हाँ केव एंड है। ओ भाई मज़े आ गए गाइस, मतलब आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी गाइस क्या बताऊँ, बेस्ट पार्ट ऑफ भाई, मतलब क्या यार बेस्ट बेस्ट गाइस, मतलब इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। चलो यार जल्दी टूट जा भाई, अरे इसको जल्दी टूट जा, हाथ से क्यों तोड़ रहा हूँ, देख रहा आप खुशी का ठिकाना नहीं, मैं हाथ हाथ से तोड़ रहा हूँ उसको, जल्दी टूट। मैं सबसे पहले आगे जाके वहाँ कवर बनाऊंगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कवर बनाओ सबसे पहले दूर ही खड़े होके। अरे जल्दी आ जा भाई, स्टोन कवर इधर, अरे यार एक उधर लग गया स्टोन, ओहो इसको तो तोड़ेंगे बाद में भाई, डायमंड देख लो। ओ भाई खुशी का आज तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आयरन पिकैक्स मेरे पास लाया ही हूँ मैं साथ में, क्योंकि डायमंड तोड़ना है, इधर पे से पत्थर हटाता हूँ सबसे पहले, हाँ और ये तोड़ो ऊपर चढ़ने के लिए, बस गाइस आज तो जो खुशी है ना वो पता नहीं नेक्स्ट लेवल है। ये इधर कवर बन गया हमारा एक, उधर साइड भी पूरा डन ही डन है। चलो भाई अब इसको तोड़ता हूँ, और ये मैंने तोड़ना चालू कर दिया है, ये टूट जाएगा जल्दी से भाई, फर्स्ट डायमंड तोड़ा है मैंने भाई, कलेक्ट हो गया ना, देखो तो हूँ 2 मिनट, अबे डायमंड कहाँ गया? ओ गाइस अभी याद आया कि मैंने आयरन से नहीं तोड़ा था, अभी आयरन पिकैक्स से तोड़ रहा हूँ डायमंड। ओहो इधर तोड़ो जल्दी, इधर तोड़ो गाइस, यार एक डायमंड वेस्ट कर दिया मैंने, लिटरली बता रहा हूँ एक डायमंड वेस्टेज कर दिया मैंने यार, गलत हुआ यार ये। अरे यार टूट ना भाई, डायमंड लेने आने थे गाइस, डायमंड मिल चुका है, 5 डायमंड हो गया गाइस, बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ यार, मतलब लाइफ तो नहीं मगर बेस्ट पार्ट ऑफ माय यूट्यूब,
वीडियोस यार, डायमंड मिल गया गाइस, बहुत खुशी हो रही है आज। मतलब मैं सोच के आया था कि आज डायमंड लूंगा और वो मिल गया। इधर पे टॉर्च लगाओ, ये केव अभी तो एक्सप्लोर नहीं कर रहा मैं, क्योंकि तो भाई डर नामक एक चीज़ होती है जो मेरे को भी लगती है। सबसे पहले तो एक कोल की खुदाई कर देता हूँ। अरे बहुत ज़्यादा कोल है इधर पे तो यार। चलो कोल फोड़ते हैं, जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। वैसे गाइस डायमंड मिल चुके हैं तो आज तो बिल्कुल खुशी का ठिकाना ही नहीं है कोई भाई। मतलब कोल वोल सब जाए भाई, डायमंड मिल गए हैं हमें, अब हम डायमंड वाले हो गए हैं। मतलब भाई फोर्थ वीडियो होगी ये मेरी माइनक्राफ्ट की और मेरे को डायमंड मिल गया, मज़े आ गई भाई। और आज मेरी वो देखो, मतलब वो जो अपनी लेवल्स होती है एक्सपी देखे हैं तो मेरे पास क्या वो 8 लेवल पे थी जब मैं आया था स्टार्टिंग, और डायमंड और कोल मिला है मुझे इतना ज़्यादा कि मेरी एक्सपी देखो भाई कितनी तेज़ी से बढ़ी है, 12 लेवल पे हो गई है। वैसे अभी स्टार्टिंग में तो इजी रहता है इसको बढ़ाना, एंड में जाके मुश्किल होगी मुझे सारी। अरे अरे निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ सबसे पहले तो अंदर एक टॉर्च लगा देता हूँ जाकि इस तरह स्पॉन ना हो वो, और इधर को इसको ऐसे ही ढक रहा हूँ मैं, बिना वजह कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ वेस्टेज की। अरे ऊपर चलो, अभी तो सबसे पहले तो इसको तोड़ो भाई। मतलब आज जो दिन है ना, मतलब बेस्ट जा रहा है सब कुछ आज। कोल मिल गया, आयरन मिल गया, और क्या चाहिए भाई जिंदगी से, बस इतना ही सुख है। ऐसे और भी चीजें हैं। अरे इधर पे सब खत्म हो गया ना, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। आ इधर इधर इधर, अरे नीचे गिर गया मैं। ओहो क्या हो गया, चलना ऊपर। हाँ चलो भाई ऊपर चलते हैं अभी तो। गाइज मैं आपसे डायरेक्ट ऊपर मिलता हूँ अपने घर के अंदर। डायमंड 5 हो गए हैं और गाइज हम घर के अंदर आ चुके हैं। चेस्ट में मैंने डायमंड रख दिया है, सब कुछ रख दिया है मैंने, ये जितना भी आयरन वायरन है मैं सब स्मेल्ट कर लूँगा, सब कुछ डाल दिया है। ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ वेपन्स रखूँगा अपने पास। ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, कोबलस्टोन भी डाल दो, सब गाइज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो गाइस चलिए चेस्ट को बंद करते हैं, और ठीक है गाइस आज हमारी हंट पूरी हो चुकी है। तो गाइस ठीक है गाइस, बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो गाइस बाय।